सब्सक्राइब करें रेहान विद लर्न इस चैनल को और साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप रहें लेटेस्ट वीडियो से अपडेट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम रेहान है और आप देख रहे हैं रेहान विद लर्न। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक कि आप जापान से गाड़ी किस तरह इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जापानीज गाड़ी का जो ट्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, तो इस वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा जो लोग हैं वो जापान से गाड़ी को इम्पोर्ट करते हैं। इस वीडियो में हम यही सीखने जाएंगे कि आप जापान से गाड़ी किस तरह इम्पोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास कुछ वेबसाइट्स ओपन है जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो इन वेबसाइट्स के जरिए आप गाड़ी को इम्पोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में। जैसे कि इस वेबसाइट पर मैं आ चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आप तमाम गाड़ियों की डिटेल को चेक कर सकते हैं। मैं एक गाड़ी पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गाड़ी की कुछ तस्वीरें हैं, इसकी गाड़ी की इंस्पेक्शन सीट की शीट भी आप देख सकते हैं, रूम आप देख सकते हैं, इसके अलावा इसकी इंफॉर्मेशन, मजीद इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं इस गाड़ी की। और गाड़ी अगर आपको अच्छी भी कर सकते हैं, यहाँ पर अपना नाम लिखें, आपका अपनी कंट्रीज का नाम लिखें, ईमेल एड्रेस लिखें, आप अपना टेलीफोन नंबर लिखें और ऑर्डर कर दें। ऑर्डर करने के बाद जो ऑनर होंगे गाड़ियों के शोरूम्स के ऑनर, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप मज़ीद उनसे इंफॉर्मेशन अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं उनसे मज़ीद इंफॉर्मेशन गाड़ी के हवाले से, और वो आपको बताएंगे कि आपको गाड़ी किस तरह आपको शिफ्ट करेंगे हम गाड़ी, और आपको जो डिपॉजिट करना होंगे वो किस तरह करना होंगे, वो तमाम जो डिटेल्स होंगी वो कॉन्टेक्ट करके आपको बता देंगे। तो सर, आप जापान से गाड़ी को इम्पोर्ट कर सकते हैं, ये वेबसाइट है, इस पर भी आपको इसको करके आप जापान से गाड़ी को इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का